हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज के वीडियो में एक बेकार न्यूज़ के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि ये बेकार न्यूज़ क्या है। आर्टिकल आपको सामने दिख रहा है, इसमें आपको दिखाया जा रहा है कि जो 40 मेडिकल कॉलेज है उनका रिकॉग्नाइजेशन जो है डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया है, इन 40 मेडिकल कॉलेजेस को। इसके साथ साथ अभी भी 100 मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जिनको अभी उनका वो रडार पे हैं कि उनको भी डी रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। क्यों ये सारी चीजें हो रही हैं, इसके ऊपर अपन कंप्लीट डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और अगर यहां तक वीडियो देखा है तो लाइक जरूर कर देना अभी से। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आर्टिकल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी कि जो 40 मेडिकल कॉलेजेस है उनको डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया है। तो क्यों डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया है उसके भी मैं आपको रीजन बताऊंगा। इसमें आपके पास आर्टिकल में नोट भी किया हुआ है, सब कुछ मैं आपको बता भी देता हूँ। और वो कौन से स्टेट हैं जहाँ पर अभी जो 100 मेडिकल कॉलेजेस हैं वो रडार पे हैं, उसके बाद पर भी अपन डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि पहले इन कॉलेजेस को जो है इनके अंदर कमियां जो पाई गई है वो इस प्रकार है, जैसे कि सीसीटीवी कैमरे नहीं थे कुछ कॉलेजेस के अंदर, तो बहुत सारी ये दिक्कतें थी। जो जबकि एनएमसी ने डायरेक्टली या फिर नोटिस में बोला हुआ है कि ये कॉलेजेस के अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरे नहीं होने की वजह से। दूसरा एक रीजन है कि अटेंडेंस इनकम्प्लीट है, यानी कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस होनी चाहिए, जो फिजिकल अटेंडेंस होती है वो अलाउ नहीं है क्योंकि बायोमेट्रिक होनी चाहिए, आधार कार्ड से लिंक होया हुआ होना चाहिए, बट इन कॉलेजेस के अंदर इनकी भी कमी पाई गई। थर्ड एक कमी जो थी वो थी फैकल्टी का रोल, क्योंकि बहुत सारे नए मेडिकल कॉलेजेस ओपन हुए हैं तो उनके अंदर बहुत सारे प्रोफेसर्स को ट्रांसफर किया गया है, तो जो जहां से वो ट्रांसफर हुए हैं उन मेडिकल कॉलेजेस के अंदर उस स्पेस को फिल नहीं किया गया, तो इस वजह से भी उनको पेनलाइज किया गया है, यानी कि उनको डी रिकॉग्नाइज करने का ये भी एक रीजन है। अब बात आती है कि वो कौन से 100 मेडिकल कॉलेजेस और होंगे कि हो सकते हैं जिनको कि डी रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। तो वो इस प्रकार आ सकते हैं, जैसे कि तमिलनाडु, गुजरात, आसाम, पंजाब, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा, पांडुचेरी और वेस्ट बंगाल के इन तरीके के जो जिले हैं, यानी कि जो स्टेट हैं, यहाँ पर अभी भी कुछ कॉलेजेस जो है रडार पे हैं। 100 मेडिकल कॉलेजेस की बात हो रही है तो इनके ऊपर भी यहाँ पर डी रिकॉग्नाइजेशन की बात हो सकती है, क्योंकि अभी ये रडार पे हैं। अब अगर बात करें कि इससे अब जब बहुत ज़्यादा कॉलेजेस, यानी कि जब 40 मेडिकल कॉलेज डी रिकॉग्नाइज हो गए हैं, तो अगर एक मेडिकल कॉलेजेस में अगर 100 सीट पे अगर अपन कंसिडर करते हैं तो यानी कि 4000 सीटें डायरेक्टली कम हो गई। तो इससे बेकार न्यूज़ क्या हो सकती है स्टूडेंट के लिए कि 4000 सीटें इतनी तो एक साथ इंक्रीज नहीं होती जितनी डिक्रीज हो गई, और 100 मेडिकल कॉलेजेस और रडार पे हैं, तो क्या 100 मेडिकल कॉलेज रडार पे हैं यानी कि उनके अंदर एक में अगर 100 सीट भी है तो 10000 सीटें तो वैसे हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इतनी ज़्यादा सीटें क्या लॉस हो जाएंगी, तो कट ऑफ क्या हाई जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है उसके ऊपर बात करते हैं। तो ये डी रिकॉग्नाइज तो एनएमसी की तरफ से इनको आ गया है, लेकिन अब ये कॉलेजेस कर ये सकते हैं कि जो भी कमियां थी उनको फुलफिल करके सारी कमियों को, और 30 दिन के अंदर जो है कॉलेज से अपील करने का अधिकार है कॉलेज को, जिससे कि उनको वापस रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है। अब कोई भी स्टेट ये नहीं चाहता कि उनका जो कॉलेज है वो बंद हो जाए, या फिर जो स्टूडेंट उनमें ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं उनको किसी टाइप की कोई दिक्कत हो, तो वो जो है दोबारा से अपील कर सकते हैं कि हमने ये जो कमियां थी इनको फुलफिल कर लिया है, तो अब हमें वापस रिकॉग्नाइजेशन का चांस दे। अब नेक्स्ट बात आती है कि अगर मान लो कि एनएमसी इनको वापस नहीं देता है रिकॉग्नाइजेशन का अधिकार, तो ये सेकंड अपील जो है जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है उनको अपील कर सकते हैं कि हमने सारी फुलफिल जो इन्फॉर्मेशन थी, जो भी कमियां थी वो कर ली हैं, तो अब हमें वापस रिकॉग्नाइजेशन दिया जाए। तो ऐसा पहले भी बहुत बार हुआ है, बट कॉलेजेस ने उन कमियों को पूरा करके अपना जो है सारी जो अपील करके वापस अपना रिकॉग्नाइजेशन ले लिया है। तो इसमें जब फर्स्ट अपील होती है वो 30 दिन के अंदर करनी होती है कॉलेज को, तो उसके ऊपर उसका सॉल्यूशन 30 दिन के अंदर हो जाता है। बाकी सेकंड अपील होती है उसमें भी एक महीना लगता है, यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर एक कॉलेज को जो है वापस अपना रिकॉग्नाइजेशन मिल जाता है अगर वो अपील करती हैं, और अपील करने के बाद वो सारी कमियां पूरी कर लेती हैं तो उनको वापस अपना रिकॉग्नाइजेशन मिल जाएगा। तो इससे जो सीटें हैं वो लॉस होने का खतरा नहीं होगा, जिससे वापस सीटें आ जाएंगी और वापस एनएमसी में ऐड हो जाएंगी, तो वापस उनके लिए एमबीबीएस की जो है एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये स्टूडेंट के लिए बहुत बुरी खबर जरूर थी, लेकिन अब उम्मीद यही है कि इन कॉलेजेस के अंदर सारी जो कमियां हैं वो पूरी की जाएगी इन कॉलेजेस के द्वारा, और बाकी जो सीटें हैं इनमें जितनी भी सीटें हैं उनको वापस ऐड होंगी एनएमसी में, और जल्द ही सभी स्टूडेंट को वापस एडमिशन मिलेगा
तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। हाँ, बुरी खबर जरूर है, लेकिन इसको वापस रिकवर किया जा सकता है। तो कमेंट करके आप जरूर बता सकते हो कि क्या इस तरीके की कमियां कॉलेज में होनी चाहिए या फिर नहीं, या फिर इसका कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए कॉलेजेस को। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर जिनको समझ में नहीं आई है तो वो आर्टिकल को आराम से पॉज कर करके पढ़ सकते हैं, तो बाकी उनको चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो आई होप हमने आपको काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश की। चीज़ें समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब चैनल को कर देना ऐसे ही अपडेट के लिए। बाकी मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।